ये 10.1 ध्यान से समझना भाई, अभी जो हमने बेसिक किया था सारे के सारे उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला है खाली स्थान भरने हैं आपको, तो देखो पहले का पहला, वर्त का केंद्र वर्त के खाली स्थान में स्थित होता है। देखो ये वर्त है और ये वर्त का क्या है, केंद्र, और अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं अभी बताया था, और बाहर वाले भाग को, तो बताओ ये केंद्र कहाँ आएगा अभी, तो बताओ सबसे पहले में क्या आएगा, धीरे बोलो, अभ्यंतर में। आगे समझ में। दूसरा देखो, एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वर्त में स्थित होगा। देखो एक बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा हो, देखो ये तो केंद्र, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या, अब त्रिज्या से दूरी ज्यादा, और मान लो यहाँ कौन से भाग में, यह आएगा आपके बहिर, ठीक है। अब आगे देखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या कहलाती है, व्यास। देखो ये वर्त है, ये वर्त का केंद्र है, और ये लाइन वर्त की क्या है, जी वर्त का व्यास है, और इसे हम जीवा भी कहते हैं। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होती है, व्यास होता है भाई, ठीक है। अब अगला देखो, एक चाप होता है इसके, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, देखो ये व्यास है, अब ये देखो इसको मिटा दो, बोले से ऊपर या नीचे मिटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये व्यास के सिरे और ये चाप है, तो बताओ ये क्या कहलाएगा, अर्धवर्त, क्या कहलाएगा, एक चाप, चाप जिसके सिरे व्यास के सिरे हो क्या कहलाता है, अर्धवर्त, क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपके अर्धवर्त। अभी सारे बता दिए मैंने तुम्हें। वर्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। देखो ये है वर्त और ये है जीवा, क्या है, जीवा, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तखंड, क्या कहलाता है, तो देखो एक वर्त एक सॉरी वर्तखंड एक चाप, ये तो है चाप और ये क्या है, जीवा, क्या है, जीवा। तो चाप और जीवा के बीच में क्या पड़ता है, वर्तखंड, तो देखो वर्तखंड एक चाप तथा क्या आएगी, जीवा के बीच का भाग होता है, ठीक है। अगला देखो, अब एक व्रत जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है, बताया था अभी, जैसे मान लो ये तल है और इस पर हमने क्या रख दिया, व्रत, कितने भागों में बांटा, एक दो तीन, कितने भागों में बांटता है, तीन भागों। आ गया समझ में, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर दो, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है कि जो कथन दे रखे हैं ना वो सत्य है या असत्य। देखो आसानी से आएंगे, ध्यान देना इधर बोर्ड पे, देखो ध्यान लगाओ बोर्ड पे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो नंबर एक, केंद्र को वर्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है, कथन क्या है, सत्य, क्योंकि देखो ये वर्त है, वर्त पर ये केंद्र है, वर्त पर कहीं भी एक बिंदु ले लो और इस बिंदु को किसे मिलाओ, केंद्र से, तो बताओ केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, इसने ये कहा है, केंद्र को वर्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या होती है, कथन क्या है, सत्य। आगे समझ में, लिख देना कारण लिखना चाहो तो, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। आगे समझ में। अब दूसरा देखो, एक वर्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, असत्य भाई। अब देखो असत्य क्यों, देखो इसने कहा है एक वर्त में समान लंबाई की परिमित, परिमित का मतलब निश्चित, जैसे जैसे इसने यह जीवा बनाओ, देखो ये वर्त है, ये एक जीवा हो गई, ये दूसरी जीवा हो गई, ये दोनों लंबाई पे बराबर है, ये तीसरी जीवा ये भी लंबाई पे बराबर है, चौथी जीवा लंबाई में बराबर है, इसने कहा कि समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, परिमित मतलब फिक्स, जैसे दो या तीन, दो तीन ही होती है क्या, नहीं, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, अनेक जीवाएं खींच सकते हैं बराबर लंबाई की, इधर ये देखो ये बराबर लंबाई की अनेक जीवाएं क्या कर सकते हैं, अगर यहां परिमित की जगह क्या होता, अपरिमित, तब ये कथन क्या होता, सत्य।
ये कथन क्या है? असत्य, क्योंकि हम समान लंबाई की अनेक जीवाएं खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पिक्स ही खींचे, इसलिए कथन क्या है? असत्य। आए समझ में? अगला देखो तीन नंबर, यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए, वृत्त को कितने चापों में? तीन, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। क्या प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा? देखो कैसे, ध्यान लगाओ इधर, ये है वृत्त, ये वृत्त का केंद्र कितने भागों में बांटना है? तीन। देखो इसको तीन चापों में बांटना है, ये बांट दिया मैंने तीन चाप, देखो इधर ये एक चाप, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन चापों में बांट दिया। तो क्या ये जो प्रत्येक चाप है वो दीर्घ चाप होगा? क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान लगाओ, ध्यान दो, बताओ बेटा पूरा कोण कितने का बनता है? 360। कितने का बनता है? अब यहाँ कितने कोण बन गए? तीन, इसमें तीन का भाग दो तो बताओ प्रत्येक कोण कितने का आएगा? 120। तीन एकम तीन, तीन दो नीचे जीरो का जीरो, ये कोण कितने का? ये भी। और अगर चाप केंद्र पर 180 डिग्री से छोटा कोण बना है उसे क्या कहेंगे? लघु चाप। क्या कहेंगे? लेकिन ये कह रहा है दीर्घ चाप होगा, दीर्घ नहीं होगा, कौन सा होगा? कथन क्या है? असत्य। ये हो जाएगा आपके असत्य, ये वाला ना, क्या है? असत्य। क्यों है सत्य? क्योंकि दीर्घ नहीं होगा, कौन सा होगा? लघु होगा, ठीक है, क्योंकि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 120 डिग्री का कोण बनाएगा तो कौन सा चाप होगा? लघु। आए समझ में? अगला देखो चार नंबर, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो, वर्त का व्यास होती है त्रिज्या से दुगुना, वर्त का क्या होता है? व्यास। देखो ध्यान लगाओ, ये है वर्त, ये है केंद्र, ये है त्रिज्या, अगर त्रिज्या को दुगुना करते तो क्या बनता है? और ये व्यास एक जीवा भी होती है, है ना, तो कथन क्या है? सत्य। वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो, वर्त का क्या होता है? कथन हो जाएगा आपके सत्य, ठीक है। अब देखो पांचवा, त्रिज्य खंड जीवा एक एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखो इसने कहा है कि ये तो ये वर्त है, ये जीवा है, ये तो क्या है? चाप। और ये क्या है? जीवा। ये तो है जीवा और ये क्या है? क्या इसके बीच का ये क्षेत्र त्रिज्य खंड होगा? त्रिज्य खंड थोड़ी है, क्या है? वर्त खंड। क्या है? जबकि क्या कह रहा है? कथन क्या है? क्योंकि त्रिज्या खंड में तो क्या होती है? दो तो त्रिज्या और ये क्या होता है? चाप। सत्य सत्य में देखा था हमने, सत्य सत्य में देखा था ना, तो ये कथन क्या है? असत्य। क्या है? क्योंकि त्रिज्या खंड जीवा और चाप से नहीं बढ़ता, त्रिज्या और किससे बढ़ता है? चाप से बढ़ता है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला, व्रत एक समतलीय आकृति है, कथन क्या है? क्योंकि व्रत को केवल ऐसे बनाया जा सकता है, वर्त की ऊंचाई नहीं होती है, ये बिल्कुल प्लेन होती है, इसलिए कथन क्या है? सत्य। तो ये आपके प्रश्नावली 10.1 भी समाप्त हुई। आए समझ में? उतार लो।